नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दीपेश गौर में, जहां पर हम बात करेंगे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं ऑनलाइन व ऑफलाइन भर्तियों की। इसी संदर्भ में जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मध्य प्रदेश के लगभग सभी कार्यालय कलेक्ट्रेट में भर्तियां निकली है संविदा बेस पर, तो आपको सभी का नोटिफिकेशन बताएंगे हम। तो आपको बस इतना करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर लेना है, ताकि आप सभी को जो भी भर्ती निकले, जो भी वैकेंसी निकले, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आपको सबसे पहले उसकी जानकारी लग सके। जैसे ही हम बताने वाले हैं तो चलिए करते हैं आज इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमने अपना नोटिफिकेशन ओपन कर लिया। अगर ये नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन होने के लिए आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय कलेक्ट्रेट एवं जिला दंडाधिकारी जिला सिंगरौली मध्य प्रदेश में ये भर्ती निकली है। 10/3/2023 का यह नोटिफिकेशन है। मध्य प्रदेश राज्य विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक 2/10/2012 के नियमानुसार कार्यालय कलेक्ट्रेट जिला सिंगरौली में केवल 2 पद खाली हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर डाटा एंट्री की ऑपरेटर के लिए। ठीक है, ये दोनों की आप दिनांक 13/3/2023 से लेकर 3/4/2023 तक आप इसके एमपी ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भरवा सकते हैं। इसका वेतन भी आपको जैसे पिछले वीडियो में बताया था 22,770 रुपये यहाँ पर आपको हर महीने आपको जो पेमेंट वो दी जाएगी कार्यालय सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा भर्ती पर। एक महिला की एक ओपन की, मतलब महिला के लिए एक सीट सुरक्षित कर लीजिए है, बाकी सभी के लिए एक सीट है, मतलब टोटल 2 पद यहाँ पर खाली है। आपको कार्यालय डाटा एंट्री सहायक में हिंदी एवं इंग्लिश दोनों टाइपिंग आना चाहिए। डाटा फीडिंग के कार्य की जानकारी आपको यहाँ पर जरूर से होनी चाहिए। बात करेंगे आपको यहाँ पर एमएस ऑफिस एमएक्स एक्सेल का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। शैक्षणिक योग्यता में आपको 12वीं पास होना चाहिए। यूजीसी से मान्यता विश्वविद्यालय में 1 वर्ष का कंप्यूटर डिप्लोमा आना चाहिए। सीपीसीटी उत्तीर्ण होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पात्रता क्या रहेगी, आपकी आयु 18 से 35 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। 1/3/2023 के अनुसार 35 वर्ष से कम और 18 वर्ष से अधिक यहाँ पर आपकी होनी चाहिए। सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं अगर आप, तो संविदा में कार्य करने के लिए आपको आयु में 5 साल की आपको यहां पर छूट देखने को मिल जाएगी। यहां पर हम बात कर रहे हैं कार्यालय सह डाटा एंट्री ऑपरेटर संविदा हेतु आवेदकों का एमपी ऑनलाइन के माध्यम से दिनांक 13/3/2023 यहां पर इसके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 3/4/2023 तक प्राप्त किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन पत्र यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है, आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, अगर आपका चयन होता है तो आपको अभ्यर्थियों को बुलाकर उनके मूल दस्तावेजों की यहाँ पर आप सत्यापन किया जाएगा। जिला सिंगरौली शासकीय विभाग उपक्रम मंडल के कार्यालय में पूर्व से एडमिट मानोदय परिश्रम पर कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर को वांछित योग्यताधारी व कार्य अनुभव के आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी। अगर कोई पहले से उसमें कार्य कर रहा है तो उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दस्तावेजों सत्यापन के उपरांत पाए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। संविदा नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने से 1 वर्ष के लिए वैध रहेगी, केवल 1 वर्ष की यह संविदा भर्ती होने वाली है। दोस्तों, अगर ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दी गई है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए। मैंने वहाँ पर यहाँ पर PDF सेंड कर दिए, जहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये जानना है कि मैं कैसे यहाँ पर नोटिफिकेशन डाउनलोड करता हूँ, तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि ये सारी भर्तियों के नोटिफिकेशन कहाँ से डाउनलोड होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको देख लेना है सभी डॉक्यूमेंट, अगर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं तो बिल्कुल करिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। दोस्तों, अगर आपको भी अप्लाई करना है तो ज़रूर से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं या खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलेंगे ऐसे ही नई अपडेट, नई जानकारी, नई इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर आपके साथ जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।